गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत एस्थेटिक फ्लावर पॉट। तो ऐसे फ्लावर पॉट आपने देख रखे होंगे अमेज़ॉन पे, जो कि हमें 300 कुछ के मिलते हैं। बट अब हम इसे ज़ीरो कॉस्ट में बनाने वाले हैं, बिल्कुल कम कॉस्ट में। मतलब हम यहाँ पे 25 रुपीज़ की क्ले का यूज़ करके दैट्स इट, हम कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। और इतना प्यारा फ्लावर पॉट हम घर में सिर्फ 25 रुपीज़ में रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी करना है तो चलो मेरे साथ ये बनाते हैं। आप भी अपने घर के लिए बनाओ, मैं भी अपने घर के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 क्ले के पैकेट्स ले लिए और इसे मिक्स कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने इसे गोल शेप में बेल लिया है, सर्कल शेप में। बाकी ये बेलने वाला काम आप किसी प्रोफेशनल से ही कराना जो रोटी वगैरह बनाते हो, तो मैंने किसी बड़े से करवाया। बाय द वे, अब हम यहाँ पे इसको सुखाने रख देंगे जिस शेप में आपको करना है। मैंने इस शेप में रखा। तो जब आप किसी भी शेप में इसको सुखाने रखें तो उसके नीचे या तो ऑयल या तो कोई पाउडर लगा दीजिएगा, जिससे ये आराम से निकल जाए। तो देखिए कितना आराम से निकल गया है और बहुत ही प्यार लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं गोल्डन कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि गोल्ड तो बहुत ही एस्थेटिक लगता है। मुझे तो पर्सनली गोल्डन कलर काफ़ी पसंद है ऐसा कलर तो, और मुझे घर में ऐसे छोटे मोटे प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स रखने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंट करना शुरू कर दिया है। एज़ यू कैन सी दैट, इसका कलर कितना वाव है और ये करने के बाद कितना शाइनी है और कितना प्यारा लग रहा है। बस अब इसमें कमी है फ्लावर्स डालने की। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे, आप मार्केट से ले सकते हैं। तो मैंने ये ऐड कर दिए हैं और लुक एट इट, कितना प्यारा लग रहा है। पर्सनली मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मेरे घर में मैंने अपने प्लग बोर्ड के सामने रख दिया इसे शेल के ऊपर। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय।